नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके संग आशीर्वाद। समय है सुबह के 7:30 बजे का, समय है हिंदू एडिटोरियल्स का। चूंकि कल मुलाकात आपसे नहीं हो पाई थी और आज भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, तो 2-4 दिन की समस्या रहेगी दोस्तों। कुछ हाथ में एक प्लास्टर टाइप की चीज़ चढ़ी हुई है, तो मुश्किल होगा आपके साथ फेस टू फेस हो पाना मेरा। तो प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पाए और हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन कर पाएँ। अपने समस्या कुछ हाथ को लेकर ज़्यादा ही है, क्योंकि बोर्ड पर नहीं लिख पाऊँगा मैं, तो इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि एक पैड टैब पे बैठ के लिखूँ और आप देख पाएँ उस चीज़ को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समस्या नहीं होगी मेरे ना दिखने से, आपको स्क्रीन दिखती रहेगी, एड्रोल दिखता रहेगा, मेरी आवाज़ आपको आती रहेगी। 2-4 दिन की उम्मीद करता हूँ, 7 डेज़ का प्लास्टर छोटा सा हल्का सा है, उम्मीद करता हूँ ठीक हो जाएगा 7 दिन में, फिर हम लोग फेस टू फेस मुलाकात कर पाएंगे आपके साथ। स्टार्ट करते हैं हिंदू एडिटोरियल्स के साथ आज के। तो आज का हिंदू एडिटोरियल 2 दिनों का है, 7 और 8 तारीख का। पहला आर्टिकल लूंगा मैं आज के आर्टिकल से आपके साथ, ब्लैकआउट ऑन कश्मीर लॉकडाउन। तो सर, आप जानते हैं कश्मीर जो कुछ हो रहा है 2 दिनों से, सरकार ने आर्टिकल 370 जो है उसको हटा दिया है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव बढ़ रहा है कश्मीर के अंदर। तो ये आर्टिकल लिखा गया पेपर टू पॉलिटी के लिए, किस प्रकार सरकार ने एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार जो कश्मीर की थी उसको पहले सपोर्ट वापस किया और अब वहाँ पर कश्मीर की आवाज़ को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। तो ब्लैकआउट का मतलब यहाँ पर है कश्मीर की जो आवाज़ है, कश्मीर की लोकतंत्र की जो आवाज़ है, वहाँ के लोगों की, आवाम की जो आवाज़ है वो बाहर नहीं आ पा रही है। तो इस पर आर्टिकल बात करें क्या इस आर्टिकल के अंदर, तो इस आर्टिकल में आप देखेंगे कीवर्ड जो मैं कहूँगा आपसे, ब्लैकआउट को विशेष बात नहीं है, सरकारों द्वारा आपातकाल में एक इमरजेंसी ये काम किया जाता है, वॉइस दबाई जाती है, मीडिया पर्सन को ब्लॉक किया जाता है। लेकिन यहाँ जो बातें सामने आ रही हैं कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आप समझ पाए मेरे संग यहाँ पर, तो कश्मीर में अभी भी कश्मीर पूरी तरह कट ऑफ है, राज्य देश से पूरी तरह कट ऑफ पड़ा है कश्मीर, अभी भी कहीं ना कहीं नहीं जुड़ पाया, कहीं ना कहीं अभी भी मीडिया प्लेटफॉर्म बंद किए गए हैं, ऑलमोस्ट निल है लोगों का आना जाना वहाँ पर, किसी प्रकार घटनाएं नहीं हो रही हैं, कहना चाहिए मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है क्या है। इवन कल तो एक जोक चल रहा था सोशल मीडिया पर कि PM साहब ने ट्वीट किया कश्मीर के लोगों के लिए कि आपको बधाई देता हूँ मैं, आपने एक नया सवेरा देखा है, वो उस ट्वीट तक को नहीं देख पा रहे हैं। दैट शोज़ कि कहीं ना कहीं PM साहब का मैसेज तक नहीं पहुंच पा रहा है, सभी प्रकार के इंटरनेट बंद पड़े हैं वहाँ पर, सभी प्रकार के अखबार, मीडिया चैनल्स, टेलीफोन लाइंस बंद कर दी गई हैं। अभी 2 दिन हो गए हैं, अभी तक भी नहीं खुला है ये, कहीं ना कहीं कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया कश्मीर के अंदर। उन्हें नहीं मालूम कि देश में क्या हो रहा है या देशवासियों को नहीं मालूम कि कश्मीर के अंदर समय क्या हो रहा है। तो निश्चित तौर पर विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत और इस केस में राजस्थान डेमोक्रेसी केस में इस प्रकार का प्रतिबंध लिया जाना निश्चित तौर पर एक अलोकतांत्रिक तरीका कहा जाएगा, इनडेमोक्रेटिक तरीका नहीं कहा जाएगा। बात करें आर्टिकल में आगे क्या है, तो निश्चित तौर पर कोई नई बात नहीं है भारत में इस प्रकार का रिपोर्टिंग कॉन्फ्लिक्ट जोन को देखना, हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा होता रहा है पहले भी, कई बार कॉन्फ्लिक्ट जोन से चीज़ें बाहर नहीं आती, कॉन्फ्लिक्ट जोन मतलब संघर्ष एरिया, वहाँ चीज़ें बाहर नहीं आती हैं। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको डिलाइन कर सकते हैं इस लाइन को, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ना होने के केस में रूमर फैलते हैं बहुत ज़्यादा, अफवाहें फैलती हैं, तो ज़रूरी है कि जानकारी दी जाए वहाँ के लोगों को और देशवासियों को कि वहाँ क्या हो रहा है, एटलीस्ट सरकार जारी कर बुलेटिन कि वहाँ क्या चल रहा है, ना मीडिया संगठन जाए ना कोई इंटरनेट चले, लेकिन सरकार डे टू डे बेसिस पर 6 घंटे या 8 घंटे या 12-14 घंटे के अंतराल में बताती रहे कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो र्यूमर्स जो फैलेंगे उससे नुकसान होगा देश कहीं ना कहीं, तो र्यूमर्स को रोका जाए ये प्रयास होना चाहिए हमारा यहाँ पर। आगे बढ़ने से आर्टिकल में आके लिखा गया है, इस आर्टिकल में लिखा गया है कि कहीं ना कहीं जब से लगातार घटना हुई है तब से हम लगातार देख रहे हैं सरकार ने क्लैम्प डाउन किया है, अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है देश की, अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है, टूरिस्ट वापस आ गए हैं हमारे वहाँ से, सरकारें कोई रीज़न नहीं दे रही हैं, एडिशनल ट्रूप क्यों लगाए गए हैं सरकार द्वारा इसकी जानकारी भी नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं एक विवाद चल रहा है कश्मीर का, एक ब्लैक डाउन पूरा का पूरा। तो बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है, इससे उम्मीद की जाती है कि आप बताते रहें सुरक्षा के बारे में क्या चल रहा है उस जगह पर। तो विशेष आर्टिकल नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं बहुत काम का आर्टिकल रहेगा आपके लिए, ब्लैकआउट के बारे में चर्चा की जाना। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों थोड़ी मुश्किल आपको आ रही होंगी, मैं उम्मीद करता हूं कि मुश्किलें ना बने आपको। मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूं, आप कुछ चैट पर कहना चाह रहे हैं अगर आप, तो चैट बॉक्स में बस खुला है शायद मेरे पास, तो अगर आप चैट पर कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं आराम से। आप लेट हो गए हैं जो कोई समस्या नहीं है। एक्सीडेंट हुआ है दोस्त, हाँ सतीश थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट नहीं है, बहुत माइनर सा है, प्लास्टर है हाथ में हल्का सा, सॉफ्ट वाला प्लास्टर है, आर्म रेस्ट बोलते हैं सोनी भाषा में हम लोग, वो लगा हुआ है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद सही हो जाएगा 2-4 दिन के अंदर। कल मुझे देख रहा था सर, किसी ने मुझे कहा कि सर को भी सरकार ने बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है, सर को बंद नहीं किया सरकार ने, सिर्फ एक छोटी चोट लग गई है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आवाज़ मेरी मिल रही है आपको, कल के लिए क्षमा चाहूँ क्लास नहीं हो पाई। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ, आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, सेकंड आर्टिकल पे देखूंगा मैं। अंजलि कुछ नहीं हुआ, थोड़ा हाथ में चोट लगी है, उम्मीद करता हूँ जल्दी ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ें आपके साथ,
सेकंड आर्टिकल पे आता हूँ मैं आपके। सेकंड आर्टिकल है कल के आरबीआई की घोषणा पर, गोल्डी लॉक कट का नाम दिया है ऑन रेपो रेट कट। तो पहली बात तो पेपर थ्री इकोनॉमिक क्लियर होना चाहिए आपको यहाँ पर। कीवर्ड्स क्या है इसके अंदर, एक कीवर्ड मेरे पास है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति क्या होती है, एमपीसी क्या होती है। अनदर वन इज इन्वेस्टमेंट साइकिल एंड थर्ड वन इज रेपो रेट एंड चौथा है सीआरआर। तो क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अब जान लेते हैं इसके बारे में आपके साथ। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पर चर्चा करूँ आपसे यहाँ पर, क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ब्रीफ कुछ यहाँ पर होना चाहिए कि ये जो एमपीसी है ये एक 6 सदस्यीय बॉडी होती है, इसमें 3 सरकार के होते हैं और 3 इसमें मुझे कहना चाहिए आरबीआई के लोग होते हैं। तो 3 आरबीआई के लोग होते हैं इसके अंदर और 3 गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड कैंडिडेट होते हैं। आमतौर पर एमपीसी की मुलाकात हर 2 महीने में एक बार होती है, यहाँ पर हर 2 महीने में एक बार मुलाकात करते हैं ये और तय करते हैं आरबीआई की पॉलिसीज़ को, तय करते हैं ये आरबीआई के कहना चाहिए मुझे एक प्रकार से आरबीआई प्लस सरकार के 3 लोग, मुझे कहना चाहिए आरबीआई प्लस सरकार के 3 लोग तय करते हैं कि क्या होगा अगले 2 महीने के लिए मॉनेटरी या मौद्रिक नीति का स्तर। तो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं बैठ के देश के लोग। थोड़ा सा अभी हैंड परफेक्ट नहीं हुआ दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, कुछ अल्फाबेट आपको नहीं दिख रहे होंगे, हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है क्योंकि भी बहुत आदत नहीं है मेरी पैड टैप पर। तो मौद्रिक नीति को चर्चा करते हैं लोग, आरबीआई प्लस 3 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। 6 मेंबर होते हैं एमपीसी में, याद रखिएगा इनकी मीटिंग हर 2 महीने में एक बार होती है। अब इन्होंने क्या फैसला किया, ये देश की तय करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति, इसका इसलिए इनका नाम रखा गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इन्होंने ये फैसला किया इस जगह पर आकर, वो देख लेते हैं आपके साथ। इनका फैसला ये है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए, आने 2 महीनों के लिए रेपो रेट जो होता है देश का, रीपर्चेसिंग रेट या रेपो रेट जो होता है देश का, इसकी ब्याज दरों में कमी की जाएगी और ये कम किया जाएगा, 5.75 से कम करे कर दिया गया है 5.40। बड़ा रेयर है कि 0.35 या हम कहें 35 बेसिस पॉइंट कम करना या 0.35% कम करना बहुत रेयर होता है इस प्रकार का, लेकिन किया गया है यहाँ पर। तो इसी भी आर्टिकल चर्चा कर रहा है ऐसा क्यों किया गया है और क्या इसके कारण है, आऊँगा आर्टिकल पे लेके आपको मैं यहाँ पर। तो पहली बात तो रेपो रेट क्या होता है, जो नहीं जानते हैं रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, सामान्य भाषा में अगर समझ पाएँ आप लोग ग्राफिक्स के जरिए, इस तरफ आपको आपको देखेगा ये मैं कहूँ आपसे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको आरबीआई दिख रहा है आपका, ये है आरबीआई, इस तरफ आरबीआई राशि दे रहा है बैंक को, बैंक को राशि दे रहा है आरबीआई, पैसा इधर जा रहा है और जितना भी मुझे कहना चाहिए ब्याज होगा, जैसे रेपो रेट इस केस में 9% दिखा है यहाँ पर, अभी 5.4 हो गया हमारे यहाँ पर। तो बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा आरबीआई को पैसा कितना, 100 रुपये मूलधन प्लस जो भी ब्याज होगा उसका। तो रेपो क्या हुआ, आरबीआई से उधार लेने पर दी गई ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट पेमेंट बाय बैंक टू आरबीआई। अगर इंग्लिश में कहा जाए रेपो रेट और रिपर्चेज रेट इज द रेट ऑफ विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड, छोटी अवधि के लिए आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए गए ऋण पर लगी ब्याज दर। फिर सुनिए आराम से, छोटी अवधि के लिए आरबीआई द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा बैंकों को दिए गए उधार पर लगने वाली ब्याज दर, यह है रेपो रेट होता है आपका यहाँ पर। तो रेपो रेट की हम बात कर रहे हैं, रेपो रेट कम किया गया कितना दोस्तों, आप देख रहे हैं स्कीम के संग 5.75 से 5.4। काम की बात क्या है, काम की बात यहाँ पर है कि चौथी बार आरबीआई ने ऐसा किया, बैक टू बैक हम देखेंगे आपके साथ यहाँ पर। आरबीआई ने चौथी बार लगातार, आप देख रहे हैं 10 सालों का आपको दिख रहा है रिकॉर्ड यहाँ पर, ये अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो अच्छा रहेगा। आरबीआई देख रहे हैं अप्रैल 2010 से, आप देख रहे हैं इस तरफ स्क्रीन के, अप्रैल 2010 से प्रयास कर रही है आरबीआई। पहले कुछ ब्याज दरें बढ़ती गई हमारे यहाँ पर, रेपो रेट बढ़ता गया, अक्टूबर 11 तक पहुँच गया 8.5%, मंदी के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर इसमें गिरावट देखी, फिर उछाल देखा हमने, फिर गिरावट देखी और मोदी सरकार के आने के बाद लगातार हमने देखा इसमें गिरावट आती गई और ये पहुंच गया था 6% पर यहाँ पर आकर। तो 6 पर आ गया था, फिर 2 ब्याज दर बढ़ाई गई, 6.5 किया गया और उसके बाद से लगातार अगस्त 2018 के बाद से हम देखेंगे यहाँ पर, अगस्त 2018 के बाद से लगातार इसमें गिरावट दिख रही है, यानी 1 साल से लगातार चौथी गिरावट हम देख रहे हैं यहाँ पर। 6.5 से कम करते हुए 5.4 बनाया गया इसको, तो एक बड़ी गिरावट हम बात करते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर, सबसे पहले प्रयास किया गया था कि 6.5 से इसको कम करके लाया गया 6.25 पर, फिर 6.25 से 6 पर, फिर 5.75 पर लाया गया और अब एक और गिरावट की गई है 5.4 पर लाया गया। तो निश्चित तौर पर एक गिरावट, दूसरी गिरावट हम देखेंगे यहाँ पर, तीसरी गिरावट यहाँ पर और ये चौथी गिरावट। तो बैक टू बैक चौथी गिरावट या चौथी कटौती की है रेपो दर में आरबीआई ने। इंपॉर्टेंट बात है इसको क्यों, कैसे देखा जाए इस चीज़ को, कैसे काम करा जाए, समझा जाए। रेपो दर में 35 अंकों की गिरावट पहली बात तो सामान्य नहीं है, 35 बेसिस पॉइंट की गिरावट सामान्य नहीं है, 25 की होती है, 50 की होती है। तो यहाँ पर आरबीआई का मानना है कि 25 बहुत कम हो जाता ब्याज दर में गिरावट करना, तो 25 को उन्होंने माना, 25 का मानना है, 2 लोगों 3 का मानना है यहाँ पर कि बहुत कम होती ब्याज दर में गिरावट जिससे मंदी बनी रहती या देश में इन्वेस्टमेंट नहीं होता। लेकिन
अगर 50 करते तो रुपए का गिरावट जो हो रही है इस समय 70 रुपये पहुंच गया, 70-80 पहुंचने वाला कुछ दिनों में वो, तो रुपए में जो गिरावट हुई डॉलर के मुकाबले मुश्किल हो जाता है यहाँ कहीं ना कहीं। तो ऐसे 50 करना मुश्किल था, 25 भी करना मुश्किल था, इसलिए आरबीआई ने निकाला बीच का एंगल, वो है यहाँ पर 35 बेसिस पॉइंट का हमने प्रयोग किया है। क्षमा चाहूँगा थोड़ा, मैं अभी पैट टैप को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो अभी याद नहीं पड़ी है तो प्रॉपर मार्क नहीं हो पा रहा है, एक दो दिन याद पड़ जाएगी दोस्तों। आगे बढ़े आपके साथ, इस आर्टिकल में और क्या किया गया, तो बताया मैंने आपको चौथी बार लगातार कटौती की गई है, चौथी बार लगातार कटौती हुई है हमारे कंजर्वेटिव पॉलिसीज के अंदर। और लेकिन चिंता की बात क्या, समझिए थोड़ा ध्यान से इस बात को, ये आर्टिकल का क्रक्स क्या है आपके लिए। क्रक्स यहाँ पर यह है कि आरबीआई ने भले ही आप समझ सकते हैं, मैं कहूँ अगर आपसे तो 6.25 से लेकर मैं कहूँ यहाँ पर या कर दिया आरबीआई ने 5.40, लगातार चार कटौती की हैं उसके बाद इतना हो गया है। लेकिन हम बात करें हमारे को फ़ायदा क्या है, हमारा बैंक मान लीजिए SBI से उधार लेकर आता हूँ, ये SBI मान लेते हैं हमारा, ये SBI बैंक है हमारा और ये RBI हमारा। अब RBI इसको सस्ते दरों पे दे रहा है, ये अगर रेपो रेट की बात करें, RBI ने इसको जो भी अमाउंट दिया वो सस्ती दरों पर दिया, सस्ता कर दिया इसके लिए, तो ये बैंक का कर्तव्य बनता है, SBI काम बनता है कि ये मुझे सस्ता दे, मैं बैठा हूँ यहाँ पर, आशीर्वाद बैठा है यहाँ पर, तो बैंक का काम होता है कि मुझे भी सस्ता करे ब्याज दर। लेकिन बैंकों ने क्या किया है, यहाँ सस्ता तो मिल रहा है हमको RBI से, लेकिन SBI से बैंकों को सस्ता, हमको सस्ता नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर यानी जो फायदा बैंक RBI द्वारा दिया जा रहा है बैंकों को, वो फायदा बैंक मुझ तक नहीं पहुँचा रहे हैं। क्यों? बैंक घाटे में है, बैंकों कहना है कि RBI जो सस्ता कर रहा है पर्याप्त नहीं है ग्राहकों को फायदा पहुँचाने के लिए। तो लगातार एक बात जो कही जा रही है देश के अंदर कि ट्रांजिशन, ये जो ट्रांसमिशन है या ट्रांजिशन है, RBI से बैंकों को तो हो गया, सस्ती ब्याज दर हो गई, लेकिन बैंकों से आम आदमी को नहीं हो रहा। या आम आदमी पार्टी से कोई मतलब नहीं है इसका, आम आदमी हम और आपकी बात हो रही है, तो आम आदमी को फायदा नहीं मिल पाया है इसका। तो निश्चित तौर पर बैंकों को फायदा मिलना चाहिए, आम आदमी को ब्याज दरों का फायदा मिलना चाहिए, हम और आपको हमारी ई एम आई जो भी हम उधार लेते हैं उस पर दी गई ब्याज दरें या इंटरेस्ट पेमेंट होता है ये, तो जो भी आप पे करते हैं मंथली यहाँ पर, तो EMI में कटौती होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो RBI से नाराज़ है, RBI कहना है कि भैया मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में, आप देखें अगर डेटा को दिखा था पीछे में यहाँ पर, RBI ने पिछले कुछ दिनों में 6.5 से 5.4 या कह सकते 1.1 बेसिस पॉइंट, या मैं कहूँ आपकी भाषा में RBI 110 बेसिस पॉइंट कम कर दिए इनके लिए, 6.5 से 5.4 ये कर दिया। लेकिन बैंकों की बात करें तो औसतन बैंकों ने कम किए केवल 29 बेसिस पॉइंट, यानी जो डेटा में दिया है आर्टिकल में उसके मुताबिक केवल बैंकों ने माफ कीजिएगा इवन थर्ड ऑफ दिस, यानी एक तिहाई भी कम नहीं किया इसका जो बैंकों को फायदा मिल रहा। तो निश्चित तौर पर चिंता की जाते हैं हमारे लिए कि बैंकों द्वारा कम नहीं किया जा रहा है, बैंकों जो डेटा हमको दिया है यहाँ पर 29 बेसिस पॉइंट कम किया है, जबकि RBI कम कर चुका है 110 बेसिस पॉइंट। क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? तो बैंकों को मानना है वो घाटे में है, NPA हैं, पैसे लेके भग गए मोदी, नीरव मोदी, माल्या पैसे लेके भग गए उनका, तो बहुत घाटे में चल रहे हैं बैंक। उनका मेन कंसर्न है यहाँ पर कि उनका NPA ज़्यादा है, तो ऐसे में NPA जब ज़्यादा है उनका तो कम करने स्थिति में नहीं है। चलिए दोस्तों मान लेते हैं उनकी बात हम लोग। अब आते हैं क्या अब ये कम होगा, अब ये ज़्यादा कम होगा, 29 बेसिस पॉइंट किया, ये 50-60 तक पहुँचेगा? RBI का इस बार मानना है कि अब ये पहुँचेगा सर, ऐसा क्यों वो भी जान लेते हैं आपके साथ। RBI का मानना यह है कि पिछले कुछ दिनों में क्या किया है उसने, अभी कुछ दिनों में खबर आई थी कि RBI ने बैंकों से जो लिक्विडिटी थी, जो तरलता थी, खरीदी है यहाँ पर, तो पैसा सारा यहाँ पहुँच गया पिछले कुछ दिनों में, तो बैंकों के पास पैसा कम हो गया है। अब बैंक क्या चाहेंगे, पैसा जमा हो इनके पास, लोग जमा करें इनके पास आकर, हम और आप जमा करें। जमा कब करेंगे? जब बैंक मुझे ज़्यादा ऑफर करेंगे ब्याज दर का। तो जब बैंक मुझे ज़्यादा देंगे ब्याज दर तो क्या होगा, मैं जाके जमा करूंगा, पैसे जाके जमा करूंगा। उसके लिए ज़रूरत क्या है कि RBI ने छूट दिया आपको, RBI ने जो लाभ दिया है आपको वो मुझ तक पहुँचाएं आप। तो यहाँ पर उम्मीद कर रही है RBI कि आम आदमी तक भी ये लाभ पहुँच पाएगा, उम्मीद कर रहे हैं हम लोग ये लाभ आ पाएगा। तो ऐसे में बात समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पर, RBI उम्मीद कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो RBI ने काम किया यहाँ पर, आप देख रहे हैं लाइन लिखी मैंने अंडरलाइन कर रखी है, सेंट्रल बैंक हैज़ टू हैड टू एब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्लोटिंग अराउंड। तो RBI ने जो अतिरिक्त तरलता अवशोषित कर ली है उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि शायद बैंक आप तक ब्याज दरें पहुंचा पाएगा। तो जितना जल्दी उतना अच्छा है ब्याज दरें ये। तो निश्चित तौर पर अब यहां पर एक बात और कही गई इस आर्टिकल में, तीसरा पार्ट और आर्टिकल का वो समझ लेते हैं आपके साथ। इस आर्टिकल में ये भी कहा गया एक जगह पर कि भले ही RBI ने ब्याज दरें कम कर दी हो, RBI प्रयास कर रहा हो, RBI की बात करें हम लोग 6.5 से 5.4 पर आ गया हो, बैंक भी ट्रांसमिशन कर देंगे उम्मीद कर रहे हैं आजकल आप तक, लेकिन क्या सरकार ने प्रयास किया है कोई? क्या सरकार ने मंदी से निकलने का प्रयास किया? ये प्रयास क्यों किया RBI ने? क्योंकि सरकार जानती है RBI मंदी आ रही है और मंदी को देखते हुए जरूरी मार्केट निवेश बढ़ाया जाए, पैसा बढ़ाया जाए। तो क्या सरकार ने निवेश किया है? कोई सरकार प्रयास कर रही है? जी नहीं, सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। और इसलिए RBI नाराज था कल, विल नॉट सफिस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। RBI कहना यहाँ पर यह है कि यदि स्लो डाउन से निपटना है, मंदी से निपटना है, थोड़ा अंडरलाइन करें आपके साथ हम लोग यहाँ पर, यदि मंदी से हमको निपटना है, कहाँ पर है मंदी, स्लो डाउन करना है हमको,
तो अगर आप स्लो डाउन से निपटना चाहते हैं तो आपको दो काम करने होंगे, कुछ पार्ट तो रेट कट यानी आरबीआई जो कर रहा है रेट कट करना पड़ेगा, और कुछ पार्ट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने होंगे यानी संरचना सुधार करने होंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने होंगे, संरचनात्मक रिफॉर्म करने होंगे, सरकार करे खर्च बढ़ाए इन्वेस्टमेंट बढ़ाए सरकार जो नहीं कर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अब सरकार का टाइम है, अनलेस सरकार रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, अगर सरकार ध्यान नहीं देगी इस पर तो मंदी बनी रहेगी। तो यहाँ पर आरबीआई ने अपना काम कर दिया है, उम्मीद कर रही है आरबीआई सरकार अपना काम कर पाए। तो दोस्तों ये था सेकंड आर्टिकल आपके साथ, क्या आपको स्पष्ट हो रहा है आर्टिकल? कुछ कीवर्ड्स मेरे पास हैं यहाँ पर, वो देख लेते हैं एक बार आपके साथ, कीवर्ड्स क्या क्या हैं इसमें जो छूट ना जाए आपके साथ कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जैसा आप जानते हैं, एक होता है निवेश साइकिल, मैंने कहा कि मंदी से निपटने के लिए निवेश जरूरी है। तो निवेश साइकिल क्या होता है दोस्तों, आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास कुछ पुरानी फाइलों में पड़ा होगा निवेश साइकिल, एक मिनट देंगे दोस्तों, थोड़ा सा धीरे चल रहा है अभी तक। आपको सवाल टाइप कर दीजिए आप लोग, मैं आपको सवाल का जवाब दे दूंगा आपके। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर निवेश साइकिल क्या होता है, आपसे निवेश साइकिल समझ पाएँ, बहुत कॉमन टॉपिक है हमारी ऑफलाइन क्लासेस में, बताता हूँ बार बार मैं इनको। निवेश साइकिल क्या होता है इसको समझ पाएँ हम लोग, कि जिस प्रकार निवेश होगा, जितना इन्वेस्टमेंट होगा उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन हाइक होगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा आपके लिए उतना ही मेरे ख्याल से देख पाएंगे हम लोग इसको बेहतर ढंग से, इस साइकिल को समझ पाएंगे मेरे संग आप लोग, तो अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, समझ सकते हैं हम लोग, जितना निवेश होगा उतना उत्पादन बढ़ेगा, फैक्ट्री बनेगी, सर्विस सेक्टर बनेगा, दुकानें खुलेंगी, इंडस्ट्री खुलेगी, जितनी इंडस्ट्री खुलेंगी उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बहुत सीधी बात है, रोजगार पैदा होगा, जितना रोजगार पैदा होगा उतनी लोगों की इनकम बढ़ेगी। मेरे पास खाली जेब था, बेरोजगार था, घूम रहा था, खाली पर्स था, रोजगार मिला, मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी आय बढ़ गई, मेरे पर्स में पैसे आ गए, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, इनकम बढ़ गई मेरी, इनकम बढ़ेगी आपकी। तो इनकम बढ़ने का मतलब है सीधी बात है आप कुछ पैसा खर्च भी करेंगे और कुछ सेविंग भी करेंगे, तो बचत भी करेंगे बैंक में, शेयर मार्केट में, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे आप, सेविंग करेंगे, और सेविंग के जरिए बैंक में पैसा पहुंचा या पहुंचा शेयर मार्केट में, पहुंचा म्यूचुअल फंड में, अल्टीमेटली मिल गया कंपनी को निवेश करने के लिए। ये निवेश का एक चक्र होता है, तो वो चालू करना जरूरी है, वो रुका हुआ है काफी दिनों से। तो आरबीआई का प्रयास है सस्ता लोन देकर ब्याज दरें कम करके लोगों को प्रमोट किया जाए इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो यहाँ पर ये साइकिल गुड इकोनॉमिक साइकिल कहलाता है, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं बाद में आप लोग कभी। इन्वेस्टमेंट साइकिल अच्छा होना चाहिए तभी देश आगे बढ़ता है, तो इन्वेस्टमेंट साइकिल जरूरी है कि निवेश बढ़े, और निवेश कब बढ़ेगा जब ब्याज दरें कम होंगी। तो यहाँ पर मैं रोकता हूँ इस टॉपिक को, आपके कीवर्ड को रोकता हूँ मैं, बाकी रेपो रेट बता दिया मैंने आपको। सीआरआर क्या होता है दोस्तों, सीआरआर जो जानना चाहते हैं वो देख लीजिए इस साइकिल को, ये आपका इस तरफ आरबीआई है मेरा, कहाँ गया आरबीआई, ये मेरा आरबीआई है इस तरफ, आरबीआई क्या कर रहा है यहाँ पर, ये बैंक है एसबीआई मान लीजिए इसको आप लोग। तो एक आम आदमी या मैं और आप जमा करते हैं 100 रुपये बैंक के अंदर, तो मान लीजिए सीआरआर 8% अभी चार पाँच के आसपास चल रहा है, तो सीआरआर 4-5%, तो इसका 4-5% 100 रुपये का 4-5% जाएगा, जमा हो जाएगा आरबीआई के पास। तो बैंक के पास कितना बैलेंस बचेगा, केवल 100 से कम, जिसको उधार दे पाएगा आगे लोन दे पाएगा। तो सीआरआर ज़्यादा हो जाती है उस केस में क्या होता, बैंक पैसे ज़्यादा देना पड़ेगा आरबीआई को, बैंक के पास कम बचेगा उधार देने के लिए। तो इस बार सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये जो एग्जांपल लिखा है पुराना एग्जांपल है, 8% अभी 4.5 के आसपास चल रहा होगा, सीआरआर कम चल रहा है। तो दोस्तों क्लियर हुआ आपको, रेपो रेट, इन्वेस्टमेंट साइकिल, सीआरआर और एमपीसी क्या स्पष्ट बता दीजिए, मैं यस करके बता दीजिए, थोड़ा मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ तो मैं स्टेट भी देख पाऊंगा आपकी। तो क्लियर हो गया आपको, सही हो गया यहाँ पर बता दीजिए मुझे, सभी को स्पष्ट है सीआरआर क्या है, यस कर दीजिए फटाफट आप लोग, गिरा रुबी ओके फाइन एब्सोल्यूट राइट, ठीक है सीआरआर क्लियर हो गया आप लोगों को, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़िया दीपक, फटाफट यस कर दीजिए आप लोग फटाफट। इसमें सीआरआर होता है मैंने कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर होता है दोस्त, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो होता है, नगद आरक्षण अनुपात कहते हैं हिंदी में इसको हम लोग, सीआरआर को नगद आरक्षण अनुपात, ये वो पैसा होता है जो बैंक में बैंक जमा करता है आरबीआई के पास। रेपो होता है मैं रेपो उधार मिलता है, रेपो में सीआरआर वो आपको उधार देता है, सीआरआर आप बैंक को देते हैं, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे आपके साथ, अगले आर्टिकल पे आऊंगा आप मैं, बाकी जो भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आएगा तो मैं उसको देख कर जवाब दे पाऊंगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, थैंक यू, बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे बढ़ेंगे आपके साथ, अगला जो आर्टिकल मेरे पास आपके पास चर्चा के लिए है वो जुड़ा है कश्मीर से, क्या हाँ ये भी कश्मीर से, आजकल देश में कुछ हो नहीं रहा कश्मीर के अलावा ना, लोग भूल गए कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग भूल गए कि उन्नाव रेप केस पर चर्चा होनी है, देख भूल गए कि बड़ा थ्रेट चल रहा है इस समय, चीन धमकी दे रहा है, कोई बात नहीं, हमारा काम है कश्मीर चर्चा करना, क्या हुआ कश्मीर में। ये जो आर्टिकल है थोड़ा सुन लेते हैं, मैं जाऊँगा एक बात बात करें, बाद में बात करें कश्मीर पर, छोड़िए इस आर्टिकल पर, एक मिनट रुकते हैं, नया आर्टिकल चर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा कश्मीर हो रहा है तो मैं चाहूँगा बाघों की बात की जाए, नई बात की जाए, हम भी वही काम ना करें सो देश कर रहा है इस समय, कश्मीर एक मुद्दा है लेकिन और भी मुद्दे देश में चल रहे हैं इस समय, यूपीएससी एक कश्मीर को पूरा पेपर नहीं बनाएगा, वो सब टॉपिक जोड़ेगा आपके साथ। तो बात करते हैं आपके साथ, आर्टिकल आज का बिग पिक्चर ऑन टाइगर्स, तस्वीर है टाइगर्स पर क्या है, टॉपिक एनवायरनमेंट का है, बिकॉज उन्होंने याद होगा आपको, डेटा याद है फटाफट रिवाइज कर लें, डेटा क्या क्या आया था, डेटा याद होगा उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपको,
क्या क्या आंकड़े हैं टाइगर के बारे में, रिवाइज करें फटाफट मेरे साथ। तो हम रिवाइज करें, 2014 के टाइगर कितने थे दोस्तों, 2226 टाइगर थे। 2018 में कितने टाइगर हो गए दोस्तों बताएं मुझे फटाफट, 2967 टाइगर्स हो गए देश में। लार्जेस्ट स्टेट एमपी बन गया है टाइगर स्टेट, जहां 526 टाइगर हैं। कर्नाटका में 524 टाइगर हैं, याद होना चाहिए आप लोगों को फटाफट। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में टाइगर कम हो गए हैं, 45 से 19 रह गए हैं टाइगर छत्तीसगढ़ में, याद होना चाहिए। इसके अलावा सरकार ने यूज़ किया इस बार एमस्टेप्स नाम का सॉफ्टवेयर टाइगर गणना करने के लिए, सॉफ्टवेयर यूज़ किया हम लोगों ने, 4 साल में एक बार गणना होती है, और 33% टाइगर बढ़ गए हैं। ये कुछ फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़े आपके साथ, ये आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल जो लिखा गया है, इस आर्टिकल का थीम बेसिकली है कि अच्छा प्रयास किया सरकार ने, तारीफ की है सरकार की उन्होंने आर्टिकल लिखने करने वालों ने, यहाँ पर उनका मानना है कि सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है इस टाइगर पॉपुलेशन को बढ़ाकर, बढ़ाने में योगदान दिया सरकार ने, जो उसकी बात कह रहे हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा राइट करता हूँ, दिखाई देगा आपको, ये एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा मार्कर ले लेता हूँ, हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं, फाइन। तो हमारे पास यहाँ पर 4000 टाइगर दुनिया में है, जिसमें 3000 लगभग भारत में है। तो 4000 टाइगर दुनिया में है, 3000 भारत में, इसमें से तो निश्चित तौर पर अच्छी बढ़ी है। हमारे यहाँ फूड सर्वे की हम लोगों ने कैमरा ट्रैप इमेज ली, जिससे कहीं ना कहीं हम लोग कलेक्ट कर पाए डेटा यहाँ पर। और इस बार नया बदलाव जो आप जानते ही हैं कि 2014 के सेंसस में उन टाइगर को लिया गया था जिनकी आयु 1.5 साल से अधिक की है, लेकिन इस बार उन टाइगर को भी लिया गया है जिस बार जो यंग हैं, 1 साल के भी टाइगर को भी गणना कर ली गई है। तो ऐसा बदलाव हुआ है यहाँ पर कि 1 साल वाले टाइगर को भी गिन लिया गया है, पहले जो 1.5 साल वाले टाइगर गिने गए थे। तो थोड़ा सा बदलाव ये हो गया है, 1.5 ईयर्स गया, 1 साल वाला टाइगर पे आ गए, यंग टाइगर पे आ गए, क्योंकि इस बार गणना थोड़ी फास्ट हुई है। मूव करें सेकंड में, इंपॉर्टेंट बात है, अभी घटनाएं सुनने में आती हैं, 2-3 महीने के अंदर बहुत घटनाएं सुनी हम लोगों ने, जैसे कि पीलीभीत, कहाँ पर टाइगर रिजर्व दोस्तों, पीलीभीत का ये यूपी में आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यहाँ से घटना सामने आई थी कि यहाँ पर एक टाइग्रेस या बाघिन को मार मार के पीट पीट के मार डाला गया था। तो निश्चित तौर पर एक घटना यहाँ पर सामने आई, बीटन टू डेथ इन फील्ड्स। 2 दिन बाद घटना सामने आई जो मुझे कहना चाहिए एमपी में एक बाघिन और उसके छोटे बाघ शावक को मार दिया गया, डेड पाए गए वो बांधवगढ़ रिजर्व के पास। उसका घटना हमने देखा उमरिया से आई, मध्य प्रदेश के उमरिया से, जहां पर एक बच्चा या बाघ शावक मरा हुआ पाया गया। इसके अलावा पॉइजनिंग कॉज हम देख रहे हैं, लगातार जहर दे के मारा गया चंद्रपुर में, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, एक टाइग्रेस बाघिन और उसके 2 शावकों को। यानी एक तरफ तो आबादी बढ़ रही है, दूसरी भी घटनाएँ जहर दे के मारना, मैं कहूँगा आपसे पीट पीट के मारना, या शावक का मारा, छोटा सा बाघ यार, कौन शिकार कर रहा हो, कौन सा आदमखोर होगा वो बाघ, उसको मार दिया गया पीट पीट कर, उसका क्या योगदान था यार, क्यों मार दिया गया उसको। तो यहाँ पर सवाल ये है कि आप आबादी बढ़ रही है, क्या हम सही ढंग से बढ़ा रहे हैं आबादी अपने यहाँ पर, क्या ये बाघों की आबादी का पर्याप्त जगह हमारे पास है, क्या उनको जगह दे रहे हैं। मैं आऊँगा इस आर्टिकल पर, आगे बढ़ूँगा आपके साथ। इस आर्टिकल का बेसिक थीम ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट कर रही है, जो विकास कर रही है, सड़कें, जाल, रेल नेटवर्क बिछा रही है, ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। और यहाँ इनका कहना यह है कि जो तरीका है आपका बिछाने का ना, वो बाघों के अगेंस्ट है। मैं इस आर्टिकल पर आगे आऊँ तो रेलवे नेटवर्क जो बिछाया जा रहा है, हाईवे जो बिछाए जा रहे हैं, ये नए दुश्मन हैं, नए थ्रेट हैं अपने आप में। पुराने थ्रेट जानते हैं हम लोग, जहर दे के मारना बाघों को और उनका शिकार करना, तो नए थ्रेट आ गए हैं यहाँ पर हमारे सामने, रेल और हाईवेज। कैसे, मैं एक दो वीडियो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं आज लेकर आया था आपके लिए वीडियो, आप देख पाएँ स्क्रीन पर, मैं दिखा पाऊँगा अगर पूछ पाऊंगा कैमरामैन से, दिखेगा दिखेगा दिख जाएगा वीडियो में, दिखाऊंगा स्क्रीन पर तो ना। चलिए तो मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो कुछ यहाँ पर, कुछ यूट्यूब से डाउनलोड किया मैंने वीडियो, एक छोटा सा वीडियो महाराष्ट्र से आया था, कुछ दिन बाद वायरल हुआ था वीडियो ये। इस वीडियो में दिखाया गया है कि बाघ हाईवे पर बना देते हैं, हम लोग फेंसिंग लगाते हैं हाईवे पर दोनों तरफ, लेकिन वो बाघ उस फेंसिंग से नहीं रुक रहा है, वो बाघ उस फेंसिंग का, एक बाघ आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र के से आया था वीडियो हमारे पास, यहाँ पर दिखाया गया था किस प्रकार ये बाघ हाईवे पर आता है, और उसके बाद आपने शायद देखा बहुत वायरल हुआ था बीच में वीडियो, ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो, थोड़ा सा शॉर्ट में आऊँ तो ये बाघ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपको थोड़ा ख़राब वीडियो क्वालिटी होगी इसकी। ये बाघ किस प्रकार टूटी हुई रेलिंग होती है हाईवे पर, एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा हूँ आपको, विजुअल क्लियर हो जाए। ये बाघ जाता है हाईवे पर, टूटी हुई रेलिंग, एक जगह टूट जाती है, आमतौर पर एक्सीडेंट कभी होते हैं तो टूट जाती है रेलिंग इस प्रकार की, तो टूटी हुई रेलिंग से क्रॉस करता है हाईवे पर आता है ये। ये हाईवे नेशनल हाईवे है जहाँ पर वाहन बहुत तेज़ गति में चलते हैं, स्पीड में होते हैं, ये बाघ घूम रहा है यहाँ पर, और फिर किस प्रकार ये बाघ क्रॉस कर जाता है रेलिंग को यहाँ पर, ये दिखाने पर्याप्त है कि ये रेलिंग पर्याप्त नहीं है रोकने के लिए। आप सोचते हैं कि ये बना लेंगे आप और रोक पाएंगे यहाँ पर बाघों को, तो मुश्किल काम है। एक और वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं, यहाँ पर केरल से आया था कुछ दिनों पर एक वीडियो हमारे पास, जहाँ पर एक हाईवे पर आप देखेंगे दोस्तों, 22 सेकंड का वीडियो छोटा सा, ये किसी बाइकर जो गुजर रहा था हाईवे से केरल के जंगल के पास से गुजर रहा होगा, वहाँ पर रेलिंग भी नहीं थी, तो किस प्रकार बाघ ने एक अटैक किया, थोड़ा देखेंगे आप लास्ट में, देखेगा आपको यहाँ पर 22 सेकंड के वीडियो में किस प्रकार देख रहे हैं बाघ भगता हुआ आता है बाइकर के पीछे और चला जाता है साइड से।
ये दिखाने काफ़ी हैं दोस्तों कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किस प्रकार बाघों को अपना संरक्षण कर रहे हैं। सड़कें गुजर रही हैं, हाईवे गुजर रहे हैं, रेल नेटवर्क गुजर रहे हैं, नहीं बचा पाएंगे बाघों को अपने। तो आवश्यकता क्या है हमको यहाँ पर, हम इन हाईवे को देख के बनाए हैं, हाईवे को प्रयास करें ऐसा कि सुरक्षित हाईवे बने, या प्रयास तो हाईवे का विकल्प हमारे पास होता वो हम तैयार करें। तो पीएम साहब कुछ दिनों पहले हमारे कह रहे थे, एक बात अपनी रिपोर्ट में पीएम साहब कह रहे थे अपने, यहाँ पर याद होगा आपको पीएम साहब ने कहा था कि हम लोग विकास भी कर सकते हैं और कहना चाहिए मुझे यहाँ पर डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, एनवायरमेंट बचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता क्या है हमको यहाँ पर, अपने हाईवे को सुरक्षित बनाएं। हम लोग बांध बना रहे हैं बहुत सारे, हम लोग बाघ एरिया डूब रहा है, पन्ना में जो रहते हैं लोग पन्ना टाइगर रिजर्व का इलाका डूब रहा है, वहाँ पर केन बेतवा लिंक बन रही है। तो विकास कार्यों से मुश्किलें हो रही हैं हमारे यहाँ बाघों को बचाने में, तो ज़रूरी विकास ऐसा हो कि बाघों को बचा पाएँ हम लोग यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, NH7 की बात करें, हाईवेज़ की बात करें, लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं हमारे यहाँ पर टाइगर रिजर्व के लिए। तो जरूरी टाइगर बचाए जाएँ। आपको याद होगा डेटा में लिखवाया था उस समय भी, बता दूँ डेटा रिवाइज करा दूँ आपके लिए मैं, उस दिन आपको आंकड़ा बताया था एक दिन उस दिन कि भारत में जो बाघ मारे जाते हैं उनका 55% मारे जाते हैं प्राकृतिक मौत से और 45% मारे जाते हैं अननेचुरल अप्राकृतिक मौत से। तो ये जो अप्राकृतिक मौतें क्यों हो रही हैं, सड़कों पे मर रहे हैं, जहर देके मर रहे हैं, छोटे बच्चे मर रहे हैं बाघों के, क्यों? क्योंकि अप्राकृतिक मौतें हैं, ज़रूरी इनको कम किया जाए, इनको बचाया जाए। तो यदि बाघों को बढ़ाना है, यदि आप कहते हैं बाघ बढ़ाएं, तो बढ़ा दिया बाघ हमने, क्या हम बचा पा रहे हैं उनको, क्या उनको आबादी दे पा रहे हैं, क्या जगह दे पा रहे हैं? अगर नहीं तो हमें बाघ बढ़ाने का कोई अधिकार भी नहीं है। यदि हम कहते हैं कि बाघों की संख्या बढ़ाई जाए तो उनके लिए एरिया देना पड़ेगा, जंगल देना पड़ेगा। बाघ हमारे कंक्रीट जंगल में नहीं रह सकते, बाघ हमारे सड़कों में नहीं रह सकते, बाघों को जंगल चाहिए। तो क्या हम जंगल बढ़ा रहे हैं? नहीं, जंगल उतने ही हैं, रिजर्व लगभग उतने ही हैं, और बाघ लगातार 33-34% बढ़ते जा रहे हैं। आवश्यकता उस पर ध्यान दिया जाए। तो ये आर्टिकल का समरी था आपके साथ दोस्तों, आर्टिकल समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहा हूँ। बता दीजिए यस करके फटाफट, आपको आर्टिकल समझ में आ गया है तो बता दीजिए मुझे यस करके, आर्टिकल समझ में आया क्या नहीं आप लोगों को, यस कर दीजिए। वर्ल्ड टाइगर से होता है 29 जुलाई को, बताइए दोस्त कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग फटाफट बताइए मुझे, शेयर करते रहिए दोस्तों, शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं आजकल तो मैं देख रहा हूँ। चले कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ यस को गया आप लोगों का, बता दिए फटाफट यस करके, समझ आ रहा है कि नहीं यार आप लोगों को। पॉपुलेशन इस ज़रूरी है देश किया जाए, एम स्ट्रिप्स एप्लीकेशन है, ऐप है बेसिकली वो दोस्त, ऐप स्ट्रिप एक ऐप है, एक एप्लीकेशन में काउंट डाउन काउंट करते हैं टाइगर्स को, तो मैं सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ इसलिए, एक प्रकार का ऐप भी एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं अपने आप में दोस्त। तो क्लियर है आप लोगों को ये? चलिए, लगातार आबादी बढ़ती जा रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त हम लोग यहाँ से। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक करिए फटाफट आप लोग, शेयर करने लाइक करें ज़रूरी है, पहुँचना अंतिम व्यक्ति तक। मैं पहले भी कह चुका हूँ आप लोगों को, बढ़ाएं इसको आप लोग यहाँ पर। रेपो रेट बता दूंगा दोस्त बाद में, कल तक चलूँगा बता दूंगा आपको मैं, रेपो रेट बता दूंगा आपको मैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ, ऐसे क्लास दोस्तों अभी जो मैं वादे कर रहा हूँ पहले उसको पूरा कर लूँ, बड़ी मुश्किल में चल पा रहा हूँ उस समय, बड़ी मुश्किल में हाथ घूम रहा है मेरा। तो ऐसे क्लास स्क्रीन पर नहीं आ पाऊंगा, तो बताया मैंने आपको हाथ में चोट लगी हुई है, प्लास्टर है, छोटा सॉफ्ट प्लास्टर लगा हुआ है, तो प्लीज़ मैं सामने नहीं आ पाऊंगा अभी आपके। आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ, अगला आर्टिकल मैंने कहा कश्मीर का बचा हुआ वो देख लेते हैं आपके संग, कश्मीर का आर्टिकल क्या कहना चाहता है। डाउनग्रेड एट द स्ट्रोक ऑफ अ पेन, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कंपेयर कर रहे हैं बेसिकली, डाउनग्रेड यहाँ पर मतलब कहने का है कि कश्मीर और दिल्ली की तुलना कर रहे हैं, दोनों यूटी बन जाएंगे अब, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। समरी कर दूंगा आर्टिकल की सीधी आपके साथ, तो अच्छा रहेगा, समय ना खराब करते हम लोग, शॉर्ट एंड स्वीट समरी करें इसकी। तो यहाँ पर ये आर्टिकल जो बात कह रहा है कि कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें हम लोग, तो जम्मू कश्मीर अब यूटी घोषित हो गया है, माफ कीजिएगा, तो जम्मू कश्मीर एक यूटी घोषित हो गया है हमारा, और दिल्ली भी एक यूटी है, दिल्ली भी हम बात करें एक तो यूटी है दिल्ली में हमारा, इन दोनों में अंतर क्या है बेसिकली, यहाँ अधिकारों में अंतर क्या, तो बात बता दूँ आपको। यूटी ये भी विधानसभा के साथ है, लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ है, ये भी विधानसभा के साथ है, MLA होते हैं यहाँ भी हमारे पास, दोनों में अंतर क्या है फिर? तो याद रखिएगा दिल्ली की बात करें, दिल्ली स्टार्टिंग से यूटी था, एक कुछ समय तक इसको 52 से लेकर 56 के बीच में अधिकार दिया, विधानसभा दी गई थी, विधानसभा भंग कर दी गई बाद में, फिर 1992 में विधानसभा लाई गई यहाँ पर, यानी बैक टू बैक दिल्ली का अस्तित्व इस प्रकार रहा है कि केंद्र सरकार की मर्जी पर रहा है दिल्ली हमेशा। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें, एक स्टेट है, एक राज्य है, मैं 2 मिनट रुकेंगे आपके साथ, मैं रुकूँ इस टॉपिक पर 1 मिनट आपके साथ। तो उस दिन हम जा रहे थे, ये JNK में जो हुआ है 370 हटाई है, इनमें कुछ विशेष प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, संविधान के कुछ विशेष प्रावधान उल्लंघित किए गए हैं। तो वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ वो समझ पाए मैं फटाफट। तो पहला जो वॉयलेशन हुआ यहाँ पर कहना है वो है Article 3 का। Article 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, यदि किसी भी राज्य की सीमा में बदलाव करना है, नाम बदलना है उसका, कुछ एरिया बदलना है, तो आपको राष्ट्रपति को यानी पहले प्रेसिडेंट को उस राज्य की विधानसभा से
परमिशन लेनी, परमिशन तो नहीं कहूँगा, सलाह लेनी होगी, एक रेजोल्यूशन भेजना पड़ेगा विधानसभा के पास। विधानसभा यस और नो कुछ भी कह सकती है कि हमें स्वीकार है बंदी नाम या ना बंदी नाम, लेकिन मैटर नहीं करेगा क्या कहा आपने, इनकी सलाह ली जाएगी इनका मानना क्या है। उसके बाद मामला संसद में जाएगा और संसद बिल पास करके अमेंडमेंट करके संशोधन करके इसको बदल सकती है। तो यहाँ पर ये जो प्रावधान था पहला वाला आपका, जहाँ आपने बात की थी प्रेसिडेंट विधानसभा से पूछेंगे, ये काम नहीं किया गया है। तो यहाँ पर विधानसभा की बात नहीं आई कहीं भी, विदाउट विधानसभा ये फैसला किया गया है। तो ये एक प्रकार से उल्लंघन तो नहीं है, लेकिन एक परंपरा गलत सेट हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा जो उल्लंघन या दूसरा जो बात कही जा रही है यहाँ पर, वो क्या जानते हैं आपके साथ। दूसरी बात यह है कि संविधान सभा 370 में लिखा गया है कि कभी बदलाव का आपको करना है तो राष्ट्रपति कश्मीर की संविधान सभा चर्चा करेगा। संविधान सभा मान लीजिए या इसको आप बोल लीजिए विधानसभा एक प्रकार से, और उनकी सहमति के बाद ही कोई ऑर्डर जारी करेगा। अभी क्या हुआ है, विधानसभा पर नहीं है तो वहाँ राज्यपाल हैं इस समय मलिक साहब, तो राज्यपाल से पूछ के काम चलाया राष्ट्रपति ने, राज्यपाल ने कहा आप कर सकते हैं, राष्ट्रपति ने कर दिया। तो क्या विधानसभा बराबर है राज्यपाल के, क्या विधानसभा अधिकार बराबर है राज्यपाल के, क्या वहाँ पर राज्यपाल का ऑर्डर अंतिम होगा। राज्यपाल जो दिल्ली द्वारा बैठाया गया, केंद्र द्वारा बैठाया गया है, बराबर होगा विधानसभा के, वहाँ के लोगों की आकांक्षाओं का, वहाँ के लोगों के एक्सप्रेशन का डील करता है राज्यपाल। तो एक बड़ा डिबेटिव यहाँ भी है कि क्या सही है। चलो टॉपिक पर आता हूँ मैं आपके साथ। यहाँ पर बात करें कि हमने यूटी और दिल्ली की बात की थी, यूटी दिल्ली भी है और ये यहाँ भी है। तो दिल्ली में जो यूटी है वो दिल्ली की बेसिकली यूटी कहना चाहिए हमेशा से था, लेकिन जम्मू कश्मीर हमेशा से नहीं था, विधानसभा हमेशा से यूटी नहीं था, वो एक राज्य था। तो ऐसे में ये कहना कि आपका अधिकार छीना जाता है, वहाँ की जनता के अधिकारों को छीनना है। दिल्ली में कभी यूटी था ही नहीं, तो ऐसे कंपेयर नहीं करना चाहिए दिल्ली के लोगों का अधिकार छीना गया। दिल्ली में जो रहते हैं वो जानते हैं दिल्ली हमेशा यूटी था, दिल्ली हमेशा एक विधानसभा थी जो स्टेट सब्जेक्ट बनाती थी। ऐसे में यहाँ के अधिकार छीना नहीं माना जाएगा, लेकिन कहीं अपने अधिकार दिया और उसको छीन लिया तो निश्चित तौर पे एक वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर है। मैं इस आर्टिकल की बात करूँ आपके साथ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुख्य मुद्दा वही है आपका आर्टिकल का कि दिल्ली कभी भी एक राज्य नहीं था, तो ऐसे में दिल्ली से कंपेयर करना एक गलत बात होगी इस आर्टिकल में जो कहा गया है। जम्मू कश्मीर हमेशा अलग था, एक अलग राज्य था, तो ऐसे में दिल्ली से तुलना करना उसकी गलत होगी, जो कल कई लोग कर रहे थे कंपेयर करें दिल्ली से उसको। यहाँ पर दिल्ली को एक राज्य स्टार्टिंग में दिया गया था 3-4 साल के लिए, उसके बाद उसको हटा दिया गया, वहाँ से कभी भी राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया दिल्ली को यहाँ पर। तो पार्ट सी स्टेट से याद रखेगा, संविधान ने बनाया था पार्ट सी स्टेट दिल्ली को, और पार्ट सी स्टेट जो थी उनको छीन लिया गया बाद में दर्जा, उनको सब यूटी बना दिया गया सब राज्यों को, बाद में कुछ को राज्य बनाया गया। तो यहाँ बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली को कन्वर्जन इंटू यूटी किया गया, लेकिन जो भी किया गया बनवा था, जो भी आप समझेंगे, जो भी राज्य बनाए गए नए देश में, जो भी यूटी बनाई गई देश में, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है यहाँ पर लिखने के लिए, समझने के लिए कि जो भी यूटी बनाई गई देश के अंदर, जो भी राज्य बनाए गए या राज्यों को यूटी से राज्य बनाए गए बाद में, सबके लिए आपने अमेंडमेंट किया संविधान के अंदर। कौन सा अमेंडमेंट है सबके लिए, कोई 69 कोई 89 नंबर, सबके लिए अमेंडमेंट है संविधान के अंदर, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया है। यानी आपने राज्य को यूटी बना दिया और कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक नहीं किया, संविधान में संशोधन तक नहीं किया। तो ये अपने आप एक बड़ी चर्चा है कि क्या कोई यूटी जोड़ने के लिए, कोई राज्य को बदलने के लिए अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा संविधान में। जब भी देश में राज्य बने हैं, चाहे नागालैंड बना हो, चाहे दिल्ली बना हो यूटी, चाहे हिमाचल प्रदेश राज्य बना हो, त्रिपुरा राज्य बना हो, सिक्किम राज्य बना हो, जोड़ा गया हो सिक्किम को, सबके लिए भारत में अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या बिना संविधान संशोधन किए इसकी लीगलिटी बनी रहेगी, क्या ऑर्डर लीगलिटी बनी रहेगी, इस आदेश की विधिकता बनी रहेगी, ये कोर्ट चेक करेगा, सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा निश्चित तौर पर इस बारे में। तो निश्चित तौर पर दिल्ली से कंपेयर नहीं करना होगा हमको यहाँ पर, यही इस आर्टिकल का समरी था। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आर्टिकल आपको पसंद आया होगा, बहुत विशेष आर्टिकल नहीं है, कश्मीर पर चर्चा लगातार हो रही है आपके साथ। कल सुषमा जी का, परसों सुषमा जी का स्वर्गवास हुआ, निश्चित तौर पर देश को बड़ी क्षति हुई है, हम सभी इस घड़ीमन परिवार के साथ हैं उनके। इन पॉइंट बात है, आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं मुझसे अभी यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ। कुछ लेट हो गए हैं लोग, सवाल नहीं है, बाद में बिल पास करेंगे तो अमेंडमेंट तो रखना पड़ेगा दोस्त, बाद में बिल कैसे पास करेंगे, बिना अमेंडमेंट रखे बिल पास नहीं हो सकता है। दोस्त और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, प्रिपेयर करंट अफेयर्स नोट एंड द रिवीजन 2020 के रिवीजन कैसे करें, दोस्त सुनते रहिए करंट अफेयर्स एडिटोरियल्स को, पीआई पढ़ते रहिए, प्लस कोई भी एक मैगजीन, कोई भी एक मैगजीन ले सकते हैं आप, कोई भी एक मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं मार्केट में, कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, क्रॉनिकल है और पब्लिकेशन मैगजीन आती हैं बहुत सारी, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ निशा, अमेंडमेंट नहीं किया गया जम्मू कश्मीर के लिए, थैंक यू योगेश। पौंडेचेरी टाइप बनाया गया, उसको भी पौंडेचेरी दोस्त, पौंडेचेरी भी बनाया गया, लेकिन पौंडेचेरी के लिए भी अमेंडमेंट किया संविधान के अंदर, तो ऐसे में मुश्किल होगा अपने आप में ये।
अनीश ज्योग्राफी क्लास बहुत जल्दी चालू होगा दोबारा आपका। मैं कुछ लोगों को नहीं दिख रहा हूँ, उसका कारण ये है दोस्त कि मेरे हाथ में चोट लगी है, प्लास्टर लगा हुआ है, सॉफ्ट फ्लावर प्लास्टर है, आर्म रेस्ट पहना हुआ हूँ मैं, तो अच्छा नहीं लगा दिखने मुझे अपने आप को, तो मैंने कहा ठीक है आपको भी दिखाया जाए, आपसे बात सुनिए मेरी यहाँ पर। ज्योग्राफी क्लास बंद नहीं हुई है दोस्त, तो बुक से पढ़ें, मैं उम्मीद करूँगा बुक से पढ़ें दोस्त, इनिशियल डेज में बुक से पढ़ना चालू कीजिए आप। तो मैं यहाँ दोस्तों रोकूँ आपकी क्लास आज, परमिशन देंगे मुझे आप, क्योंकि मुझे आपको पीआईबी कराना है थोड़ी देर बाद, 8:30 मिलेंगे पीआईबी सेशन में। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सेशन शेयर जरूर कीजिएगा, ये उम्मीद करूँगा कि मैं अच्छे आर्टिकल लेकर आऊँगा आपके साथ, और ट्राई करूँगा मैं 9 बजे जरूर देखिएगा टीओडी सेशन आज का आपका। टीओडी में कुछ नई चीज़ें रहेंगी आपके लिए। एनसीईआरटी क्लास आज नहीं है दोस्त, कल है एनसीईआरटी का रात को 9 बजे, पहला पार्ट ज्योग्राफी का, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता है ऐसे ही करना पड़े वो भी कल 2-4 दिन, कोई समस्या नहीं है, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे 2-4 दिन और आपके साथ, समस्या नहीं आनी चाहिए उम्मीद कर रहा हूँ। तो थैंक यू दोस्त, मिलते हैं आपसे अभी 8:30, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, थैंक यू, बाय।